जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। और 24 तारीख फोर्थ शिफ्ट का पेपर जो है छूट चुका है, ये भाई देके आए हैं। देख पूछते हैं कैसा था पेपर। ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी, मैथ्स थोड़ी कठिन आई थी। मैथ थोड़ी कठिन थी, रीजनिंग वगैरह सब सही आया था। अच्छा, मैथ्स में तो सब बन गए थे, वैसे दो तीन क्वेश्चन ही छूटे थे, बाकी मैथ्स बढ़िया आया था सब। अच्छा, कौन कौन चैप्टर उठा रहा है? क्वेश्चन तो सबसे उठा रहे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन एडवांस भी है। और रीजनिंग भी बढ़िया आई। रीजनिंग में भी मतलब उनने दर्पण वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और नंबर सिस्टम वगैरह। अच्छा, कैलेंडर को लोग कैसे बनाया? कैलेंडर नहीं आया भाई हमारे, नहीं आया। और बाकी ज़्यादा किससे आए, सीरीज वगैरह देखते क्या? हाँ, सीरीज से आए, सीरीज से ज़्यादा आए। और बाकी जीके कैसे? पेपर तो बढ़िया आया और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जीके कैसे? जीके भी बढ़िया आया था, ज़्यादा लो भी नहीं था, बिल्कुल अच्छा था, लेवल का ही था। करंट आए थे, तीन चार क्वेश्चन थे उसमें। करंट के थे? और स्टैटिक था क्या? स्टैटिक में एक तो ये था जो वो पंचवर्षीय योजना चला था विश्वकर्मा वाला, एक वो क्वेश्चन आया था। और खेल से आए थे दो तीन क्वेश्चन। अच्छा, और बाकी कुछ पॉलिटिक्स से था? हाँ, एक पॉलिटिक्स में अनुच्छेद में क्या था? अच्छा, संशोधन था। अच्छा, और भाई और कुछ था क्या जी? जैसे नाली झील वगैरह कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आया। नहीं नहीं, इंग्लिश इंग्लिश था। अच्छा था, इंग्लिश के अच्छा आया था, मैंने बन जा रहे थे पूरे क्वेश्चन अगर। और बाकी हिंदी हिंदी का तो हिंदी वाले देखेंगे। अच्छा, और आपने कितने अटेम्प्ट किया? मैंने अटेम्प्ट करे दो तीन क्वेश्चन छूटे हैं। हाँ, मतलब क्या जी एक्यूरेसी क्या रहेगी? एक्यूरेसी रहेगी सर ज़्यादा नहीं, फिर भी पास होने तक के पास। मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है क्या? मैथ थोड़ा डिफिकल्ट जी। और भाई जीके कैसे लगा? जीके मस्त था। मतलब क्या पूछ रहा है ज़्यादा आपके हिसाब से, किस पे फोकस? जनरल नॉलेज किस पे ज़्यादा? और बाकी कैसा क्या आपको क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? नहीं, आप कुछ नहीं, अब घर जाते हैं। ठीक है सर। क्या नाम बताओ जी? नाम बताओ। गौरव पवार। बढ़िया था। मतलब मैथ में कौन कौन चैप्टर? प्रतिशत आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया, ऐसा आया। और बाकी सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण होता? हाँ, सरलीकरण भी आया। लाभ हानि एक क्वेश्चन आया है। अच्छा, आया था। हाँ। और भाई रीजनिंग कैसी? रीजनिंग अच्छी आई है। पेपर तो अच्छा रहा, मगर थोड़ा इशू था उसमें। क्या इशू था? उसमें जो रिटर्न जो एग्ज़ाम हुआ था अभी दिल्ली पुलिस का, उसके काफ़ी क्वेश्चन आए उसमें। अच्छा, मैथ में जैसे कौन कौन चैप्टर उठा रहा? मैथ्स में रीजनिंग भी, मैथ्स थोड़ा सा डाउट था। मतलब चैप्टर कौन कौन से ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सिंपलीफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन मिले? हाँ, सिंपल ही था। सिंपल ही था। और बाकी हिंदी था कि इंग्लिश? हिंदी था ना। हिंदी कैसी थी? हिंदी भी अच्छी थी। क्या पूछा था? हिंदी में यही अपने एमपी का ही पूछा था। अच्छा, और मतलब ये रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग भी अच्छी रही वो भी। और बाकी जीके? जीके भी थोड़ा पूछा था। मतलब कैसा था? 2023 का पूरा जीके पूछा उनने, जो अभी पिछली भर्ती में आया था वो ही पूछा। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक मालवी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। और ये भाई फोर्थ शिफ्ट का पेपर दे के आए हैं 24 फरवरी का, तो जाइए जानते हैं कैसा था पेपर। कैसा है पेपर? पेपर बहुत सरल आया था, 10th क्लास के क्वेश्चन आए थे। 10th क्लास के? 10th क्लास के मैंने पढ़ा था, 10th क्लास में गई थी, हिंदी पूरी 10th क्लास की थी। अच्छा। और जीके आया था, वो करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, 2023 वाले, जो अभी विश्वकर्मा योजना वाला आया था जो अभी फिलहाल में चल रही है मध्य प्रदेश में। और मैथ भी उसकी सरल ही थी, कोई कठिन नहीं थी। अच्छा, मैथ में कौन कौन से चैप्टर उठा रहा? मैथ में दो तो, मैथ में ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो वो उठाया था जैसे लाभ हानि प्रॉफिट। हाँ, लाभ हानि वाले 2 क्वेश्चन आए थे। समय कार्य वाले नहीं आए थे। सरलीकरण से था? नहीं, वो नहीं आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आए थे। और एडवांस कुछ था जैसे क्षेत्र में तीस? नहीं नहीं, एडवांस कुछ भी नहीं था उसमें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, 10वीं के थे, जो जिस दस दिन का 10वीं कर ली वो पूरे क्लियर कर लेकर आएगा एग्जाम। अच्छा, और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग बहुत सरल थी। अच्छा। हाँ, रीजनिंग कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, अगर कोई अच्छे से पढ़ता ना तो आराम से निकल जाएगा जो कोई ना। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर, पजल वगैरह जाएगा? नहीं, पजल नहीं आए थे। पजल नहीं आए थे। और आई थी 3 नंबर की सीरीज थी, और अब ऐसे बेसिक ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन सरल था, लेकिन कुल मिला पेपर सरल आया था। अच्छा, पेपर सरल था। हाँ, रीजनिंग में और बाकी क्या जो फांसी वगैरह दे रहे हैं? नहीं, फांसी बिल्कुल नहीं आए, वो कूट भाषा वाले आए थे, इस भाषा में कूट में जो लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, बस उसमें ज़्यादा आए थे। अच्छा, और भाई जीके का? जीके भी बढ़िया आया था, जीके में भारतीय नृत्य वाले 3 क्वेश्चन आए थे, और हमेशा पेपर में आते हैं, भारत
नृत्य वाले, आपको नृत्य पूरे याद कर लेना तो उसके 3-4 नंबर पक्के रहते हैं। पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आता, एक क्वेश्चन आया था सिर्फ, और कुछ भी नहीं आया पॉलिटिक्स में, कुछ ना आया था। और अर्थशास्त्र से कुछ था क्या? अर्थशास्त्र में से नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, और बाकी आपका हिंदी था कि इंग्लिश? हिंदी भी सरल था, बिल्कुल 10th क्लास की हिंदी तो पूरी 10th क्लास की थी। विलोम शब्द थे, पर्यायवाची शब्द थे, इससे अलग कुछ नहीं आया। तत्वर्ती से इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो आपके हिसाब से बहुत इजी पेपर है? इजी पेपर था, बस टाइमिंग कम थी, 1 घंटे का पेपर था, जिसमें मैथ के सवाल करने में थोड़ा टाइम लग गया था, मेरे 9 क्वेश्चन छूट गए थे और बाकी सब कर आया था मैं। कितने अटैम्प्ट किया? अटैम्प्ट कितने किया? मतलब क्वेश्चन टोटल कितने किया आपने? सोशल 61 क्वेश्चन किए थे। 61 आपने नहीं, 71 सॉरी 71 किए, 71 क्वेश्चन किए थे, 9 क्वेश्चन छूट गए थे, जिसमें से 2 रीजनिंग के छूटे थे और बाकी मैथ के, हिंदी के पूरे करे थे, जनरल नॉलेज और सब करे थे। चलिए, क्या नाम आपका? अतुल यादव, रायसेन से। हाँ भाई, कैसा था पेपर? पेपर बढ़िया था, बस थोड़े मैथ थोड़े टफ पूछे थे। मैथ थोड़ा टफ है? हाँ, मैथ थोड़ा टफ था। उसके बाद से हिंदी तो बहुत अच्छा गया, मतलब टोटल हिंदी के 20 क्वेश्चन जो थे ना, आउटस्टैंडिंग थे। इतने ज़्यादा सरल क्वेश्चन मैंने किसी परीक्षा में नहीं देखे, इतने इजी क्वेश्चन थे हिंदी के। अच्छा, मैथ में कौन कौन चैप्टर पूछ रहा है अभी तक, जैसे सुन रहे मारा वैसे ही क्वेश्चन? हाँ, अभी तक जो आपने सुना होगा वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 4-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे, बाकी तो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, रेगुलर ही आ रहे हैं। हाँ, और मतलब कौन कौन से ज़्यादा कौन से देखने को मिले, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एडवांस, ऐसा कुछ? एडवांस क्या टाइप के क्वेश्चन थे, तो जो हल होने में काफ़ी समय लग रहा था। आई थिंक इनको 1.5 घंटे का समय देना चाहिए था, क्योंकि समय की खासी कमी रही है इस एग्ज़ाम में। 1.5 घंटे का यदि हमें समय मिलता तो हम टोटल क्वेश्चन हल करके आते। समय अवधि कम होने के कारण, कैलकुलेशन में कमी के कारण मैथ के क्वेश्चन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो हल ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि समय का अभाव था और टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा था सभी के ऊपर, इसीलिए। अच्छा, सरलीकरण ज़्यादा आता है तो इसमें आ रहा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन? हाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा था पेपर उस टाइम पे। बाकी रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग भी उतना ज़्यादा कठिन नहीं था, अच्छा था। उसके बाद से जीके भी उन्होंने अच्छा पूछा था, एमपी का ही पूछा था। एमपी का पूछा है? अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन जैसे पजल डाइस ये दिए थे? सॉरी, मतलब रीजनिंग में कौन सा चैप्टर उठा रहा, पजल या कैलेंडर? पजल भी उठाए थे उनने, कैलेंडर वगैरह भी उठाए थे, और वो आकृति वगैरह भी उठाई थी, और जो रिश्तेदारी नातेदारी के क्वेश्चन होते हैं ना वो भी 4-6 आए थे, ब्लड रिलेशन। हाँ, तो वो भी थोड़ा अच्छा लगा कि यार इनने थोड़ा इजी से पूछे थे ब्लड रिलेशन के, उस पर भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं गई। अच्छा, आपका हिंदी था कि इंग्लिश? मेरा हिंदी था। हिंदी कैसे? हिंदी बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, मतलब क्या पूछ रहा है? हिंदी में उनने विलोम शब्द पूछे थे, पर्यायवाची पूछे थे, तत्सम पूछे थे, तद्भव पूछे थे, और गद्यांश भी थे, पद्यांश भी थे, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। पूरा क्वेश्चन इजी थे। ग्रामर पूछ? हाँ, ग्रामर ज़्यादा पूछी गई है। हाँ, ग्रामर ज़्यादा पूछी गई है। हाँ, ग्रामर ही ग्रामर है। ओवरऑल कैसे लगा? ओवरऑल तो ठीक था, बस एक ही कमी रही है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत कम था, 1.5 घंटे तो मिलना था, जस्टिफाई 1.5 घंटे ही कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट कर रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट के कोई ना कोई क्वेश्चन छूटा है, 1 घंटा बहुत कम समय होता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब जो नेक्स्ट एग्जाम देगा 1-2 दिन बाद, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? उनको मैथ में ज्यादा फोकस करना चाहिए और रीजनिंग में, ये 2 सब्जेक्ट में से थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो सारी चीजें नॉर्मली पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है, मैं नर्मदापुरम से बिलोंग करता हूँ।